Hello guys and welcome back to our YouTube channel. Namaste dosto. And today we are at the shopping mall, so we'll show you the prices of the local vegetables, so you can see like how much will it cost a student or someone who is coming to Romania, and they can compare the prices to India. So we'll try to show you that. Let's go. So we have to come here in the mall to buy some batteries and other stuff, so you can see the price. Mostly the Duracell, you can find double and triple A. Triple A is 15 lei, and for double A it's 8 lei. You can see the prices of the bulbs. 25 lei. Lumina Rece, you can hear the cold light, and Lumina Cal is the warm one. If you choose to buy Philips, you'll pay more, but if you buy something from auction, it's less. You can see the ladder. So in Romania you will not find the Indian cookers what we use, but you will find this different one. You can see the price is like 375. It's like 7000 in Indian rupees. ये दूसरी तरह का जो कुकर मिलता है वो ये ऊपर वाला ये 2000 के करीब होगा. तो अगर इंडिया से कुकर नहीं मिल पा रहा तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये वाला. तो बर्तन तो काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ. फाइंड द स्पून्स ओवर हियर. तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ इंडिया में मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती, बट थोड़ी प्राइस में फ़र्क है. सब छन्नी हो गई चाय के लिए. हमेशा याद रखना जो एक लही है वो समझो 17-18 रुपए के बराबर है, तो तीन लही बैठेगा आपको 60 रुपए के पास. चाय के लिए जो बर्तन है वो सभी देख सकते हो. जैसे इंडिया में भी दूसरी तरह की क्वालिटीज होती है, वैसे यहाँ पे भी हर प्राइस रेंज के मिल जाएंगे. केक वगैरह बनाने के लिए जो कुक टोर होता है उसमें बेस स्पेशल बर्तन. दीज आर द माइक्रोवेव यूटेंसिल्स. तो हम लोगों ने बैटरीज लिए हैं और माइक्रोवेव के लिए स्पेशल बर्तन. सब क्लीनिंग के लिए है. कपड़े रखने के लिए वो है डब्बे. सो 90 लेके
ये कपड़े सुखाने के लिए, तो यहाँ रस्सी नहीं कोई बांधता था, रस्सी पे कपड़े सुखाने का। सब कंबल हैं, पतले कंबल, साइज लिखे होते हैं उस पर, तो 200 रुपए के कंबल जैसे हम लोग को बाजार में मिल जाते हैं उसी तरह के, लेकिन हर वैरायटी के मिलेंगे। ये तकिए हो गए 18 लेके, अब क्वालिटी यहाँ पे और बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा। ये चादर हो गई, वाइट रंग की चादर, और पाचा दे पढ़ना सामना वो तकिया की खोली, तो वो 13 ले की है और ये 30 ले की है। तो यहाँ पे दो तरह की चादर आती है, जिसमें किनारे पे इलास्टिक होगा और एक होती है बिना इलास्टिक के। ये सब बर्तन धोने के लिए हैं, ये सब तो बर्तन धोने की मशीन भी आती, तो उसके लिए ये स्पेशल है साबुन, और जैसे इंडिया में विम आता है लिक्विड, तो उस तरह के यहाँ पे भी लिक्विड है। तो ये कंपनी यहाँ पे जिस दुकान में वॉशान है तो उसके सस्ते हैं यहाँ पे 5 ले के। ये सब टिश्यू पेपर्स हैं 14 ले के। जैसे वहाँ पे विम आते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी वाले जो हैं 8 ले के, तो सब बर्तन धोने के लिए दूसरी कंपनी के भी हैं। ये सब घिसने के लिए 3 ले के। यहाँ एक चीज़ और हमने देखा है कि जैसे कई बार होता है कि बाथरूम वगैरह में नली जाम हो जाती है, तो ये इसको डाल के 15 मिनट छोड़ने से नली खुल जाती है। तो कुछ चीज़ें जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, ये सब बाथरूम के लिए, जैसे वहाँ हार्पिक आता है यहाँ पे डोमेस्टोस आता है, सब क्लीनिंग वाला सेक्शन है यहाँ पे। ये शीशा वो सब साफ करने के लिए 6 ले गए। ये जमीन के लिए, तो यहाँ पे जैसे हम लोग कमरों में ओडोनेल वगैरह लगाते रूम फ्रेशनर, तो यहाँ पे रूम फ्रेशनर्स हैं ये सब, इसके प्राइस। तो ये सब रिफिल वाले हैं, और पहले एक सिस्टम आता है वो 26 ले का है, तो बड़े वाले 30 ले के हैं, और उसमें ये सब कार्ट्रिजेज हर स्मेल के मिल जाएंगे, जैसे ढक्कन के हिसाब से। तो इसमें मशीन के साथ जो रिफिल वाला है वो भी मिल जाता है, तो 30 ले का। तो फोटो में यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ रख सकते हैं, रूम में भी टॉयलेट में भी, तो सब जगह का काम करेगा। ये सब टॉयलेट में हार्पिक की जगह भी रख सकते हैं वहाँ पे। तो 16 लई में 3 मिलेंगे और एक सिंगल 9 लई का। ये डब्बों में लोग जो है वाइन बना के स्टोर करते हैं, तो फर्मेंटेशन का काम करते हैं। जो टॉयलेट सीट होती है वो लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, तो हर तरह के डिज़ाइन का, तो ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, 28 ले। एयरपोर्ट के लिए जो बैग्स हैं सो 100 ले में, मतलब 2000 के हैं, इसमें साइज़ भी लिखे होते तो फिर मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के लिए स्पेशल बैग्स हैं। बच्चों के खिलौने जैसे पजल्स हो गए, 26 ले के पजल्स। जैसे इंडिया में बिग बाज़ार स्पेंसर में हर चीज़ मिलती है, वैसे यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाएगा।
बस एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी महंगी है, जैसे पेंसिल पेन ये सब काफ़ी महंगे। सब क्रॉन्स देख सकते हो तो काफ़ी महंगे हैं। क्रिसमस के पेड़ के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्रिसमस आने वाला है, तो 25 लई का एक छोटा सा। जैसे इंडिया में हम लोग को उतना फूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या होता है जैसे प्रोफेसर है स्कूल में भी फूल वगैरह ही लोग देते हैं सब जो हर महीने, तो फूल यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं गिफ्ट के तौर पर। ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 6 लाख के। एक चीज़ और हम लोग को मिलेंगी वो है कि मास्क, तो एक डब्बा 20 लाख का है, मैंने 400 का एक डब्बा। जैसे हम लोग वहाँ पे जिलेट यूज़ करते हैं तो जिलेट यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे भी वही जिलेट मिलेगा। जैसे दूसरे तरह के होते हैं 2 ब्लेड 3 ब्लेड जैसे वहाँ पे भी, तो ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है बस इंडिया से। सब शावर जाले नहाने के लिए साबुन ये लोग। शैम्पूस काफ़ी महंगे हैं, जब साबुन जैसे 3 लाख का है तो 60 रुपये का एक साबुन, तो उस हिसाब से काफ़ी महंगे हैं। कान साफ करने वाला जो बर्ड है वो भी 4 लाख का, 80, 1 लाख 20 रुपये का हुआ। टूथपेस्ट 8 लाख। यहाँ पे शैम्पू जैसे हैं शैम्पू कंडीशनर, तो शैम्पू 20 लाख का शैम्पू और 25 लाख का कंडीशनर। कंपनीज वही हैं लेकिन प्राइसेस में फ़र्क है। तो बिस्किट्स हैं यहाँ पर, बिस्किट्स काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे। जैसे इंडिया में पार्ले जी हम लोग लेते हैं तो यहाँ तो काफ़ी महंगे, जैसे ये बिस्किट जो है 40 रुपये का बिस्किट। लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स जो हैं इसी तरह के मिलते हैं, सिर्फ केलॉग्स वाले नहीं जैसे इंडिया में मिलते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, हम लोग कॉफ़ी पीते, तो कॉफ़ी की ज़्यादा यहाँ पे रेंज मिलेंगी प्राइस, पानी में डालने के लिए ठंडी के लिए भी हो गया। पूरा डब्बा ही लोग खरीदते हैं सब कॉफ़ी के, सब बड़े बड़े पैकेट हैं। यहाँ पे हर तरह के हमें शुगर भी मिलेंगे, जैसे ये देख सकते हो शुगर जो है ब्राउन शुगर भी आती है यहाँ पे, 4 लाख की है। पाउडर के फॉर्म में भी मिल जाएगा क्योंकि लोग बेक वगैरह काफ़ी करते हैं, जो नॉर्मल जो वाइट रंग की शुगर होती है वो यहाँ पे 60 रुपये की है, जो लिखा है 3 लाख तो 60 रुपये का 1 किलो चीनी। जैसे इंडिया में हम लोग को टाटा के नमक मिलते हैं, तो यहाँ पे दूध दो तरह के नमक है यहाँ पे, तो नमक उतना महंगा नहीं है, ठीक है 40 रुपये का डब्बा 1 किलो। यहाँ पे सी वाले भी नमक आते हैं अलग। तो जैसे इंडिया में हम लोग सूजी के हलवा बनाते थे, यहाँ पे भी लोग सूजी यूज़ करते थे, उसको ग्रीस कहते हैं, तो 3 लाख का है, मतलब 60 रुपये का आधा किलो। यहाँ पे पैकेट में मिलते ही हैं ज़्यादा चीज़ें। दाल की भात, दाल की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, दाल नहीं मिलती। जैसे हम लोग को अरहर दाल और पीली दाल ये सब मिलती है, यहाँ पे दूसरी तरह की दाल है
और जितना भी इनको उबाल लो कुकर में चाहे जो भी, लेकिन सीझेगा नहीं तो दाल नहीं मिलेंगे। वैसे तो कहते हैं लोग कि दाल है, वो काफ़ी महंगे भी हैं, 10 रुपये का एक पैकेट। दस रुपये का एक किलो है तो 200 रुपये का एक किलो, लेकिन वैसी दाल नहीं है। ये तीसरी है दाल, ये भी उतने ही की है, 200 रुपये की, लेकिन हाँ दूसरी तरह की है। फिर छोले जो हम लोग को मिल जाएंगे तो सबका दाम वही है समझो, 200 रुपये का एक किलो छोले मिल जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बजट ज़्यादा महंगा। राजमा में यहाँ पे इनके दो तरह के आते हैं, एक बड़े दाने का एक छोटे दाने का, तो प्राइस वही है 200 रुपये का। राजमा को यहाँ पे फसोले कहेंगे, यहाँ और महंगा है 15 रुपये का, क्वालिटी के ऊपर है। चावल भी यहाँ पे डब्बे में आता है, तो हर तरह के चावल हैं। जो इनकी लोकल कंपनी वाले जो चावल है वो 80 रुपये का बैठेगा एक किलो। लोग यहाँ पे पास्ता, हम लोग जैसे जब मैं स्टूडेंट था तो पास्ता सबसे बेस्ट रहता कि 10 मिनट में बन जाता, तो महंगा नहीं इतना, 80 रुपये का एक है आधा किलो। अब ये लोग वीट वाले भी शुरू किए हैं, क्योंकि मैदा वाले होते हैं वो प्राइस लगभग सेम है। सब पास्ते हैं हर तरह के, जब मैक्रोनी भी हम लोग इंडिया में कहते हैं तो उस तरह की भी मिल जाएंगे। यहाँ पे कोका कोला में इन लोग के ऑफर हैं, कोका कोला फैंटा वैसे ही मिलता है 15 रुपये के 3 बोतल। पानी जैसे हम लोग को बिस्लरी वगैरह मिलती है, यहाँ पे भी आती है, लेकिन काफ़ी महंगी है। जैसे 2 लीटर का बोतल मिलेंगे यहाँ पे पानी, जैसे ये दिखा रहा है इसमें 3 लीटर का एक बोतल, मानी 60 रुपये की एक पानी की बोतल। तो जनरली यहाँ पे फिल्टर वाले जग आते हैं तो हम लोग वही यूज़ करते हैं, टैप वाटर डाल लो उसमें और पानी पियो। शुरू में तो काफ़ी हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन ना रीज़नेबल नहीं है 6 साल में। 5 लीटर वाले भी आते हैं यहाँ पे बड़े डब्बे, जो कि 60 रुपये का बैठेगा। तो ये सब जूस की बोतलें हैं, तो जूस का एक बोतल जो है समझो 4 लीटर का, ये भी हो गए 80 रुपये के लगभग जूसेस मिलते हैं। तो 1.5 या 2 लीटर के डब्बे होते हैं, कार्टन में भी मिलते हैं, कार्टन वाले और महंगे 200 रुपये। तो जूस में भी वही है क्वालिटी का, जितनी अच्छी क्वालिटी और महंगे, तो अच्छी क्वालिटी वाले 200 रुपये के मिलते हैं। सब स्प्राइट वगैरह के कैन है तो 6 कैन 13 लीटर, तो 200 रुपये के 6 कैन। एक फैंटा की बोतल 3 लीटर, ये कोका कोला अगर ऑफर में नहीं खरीदते तो 5 लीटर की एक बोतल है, तो 80 रुपये की। पेप्सी का भी वही है। पॉपकॉर्न के यहाँ पे मिलते हैं लोग, क्योंकि पॉपकॉर्न खाना काफ़ी पसंद करते, तो 60 रुपये का एक पैकेट है पॉपकॉर्न का, तो सॉल्टेड या चीज़ डिपेंड्स। ये सब बिस्किट्स हैं, 20-20 रुपये के मिल जाते हैं एक छोटे पैकेट। तो सस्ता यहाँ पे इनका जो होता है पफ होता है, 20 रुपये का एक छोटा पफ पफलेट्स। जैसे चिप्स के जो पैकेट हैं वो 80 रुपये के, यहाँ वही है पैकेट होते चिप्स के, टॉर्टिला मिल जाएंगे। लेस के जो हैं समझो 50 रुपये का एक पैकेट है। बड़े पैकेट 80-90 रुपये के आएंगे।
साइकिलों की जो दाम है वो समझो 8,000 की है साइकिल। तो साइकिल काफ़ी महंगी है। दूसरी तरीके जो साइकिल हैं वो समझो इंडिया के हिसाब से तो 16,000 की बैठेंगी, 8 16 की है। जो भी अभी रोमानिया में करेंसी यूरो नहीं तब भी काफ़ी महंगा ही है। बच्चों की साइकिलें जो है 8,000 की। छोटे बच्चों को यहाँ पे रूल है कि बिना सीट के लोग गाड़ी में नहीं ट्रैवल कर सकते, तो ये सब ज़रूरी है। अगर किसी के पास बच्चा है तो ये ख़रीदना छोटे बच्चे के लिए, तो ये भी काफ़ी महंगा आता, 8-9 हज़ार का आता। जैसे इंडिया में मक्खन आते हैं, यहाँ पे दूसरे तरह के मक्खन आते हैं और मक्खन काफ़ी महंगे हैं। यहाँ पे 200 रुपये के मक्खन है, तो इंडिया वाले जो अमूल वाले बटर होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ दूसरी टेस्ट के होते हैं जिसमें फैट काफ़ी होता है और काफ़ी महंगे होते हैं 200 रुपये के। यहाँ पे ब्रेड मक्खन नहीं खा सकते, लेकिन ब्रेड और जैम खा सकते हैं। जैसे दूध के हम लोग को सुबह सुबह डब्बे मिलते हैं यहाँ पे, तो दूध के जैसे हम लोग के पैकेट आते हैं घर पे, तो यहाँ पे हम लोग को आके मॉल में ख़रीदने पड़ते हैं एक एक डब्बे। तो 1 लीटर का डब्बा होता है जो कि 80 रुपये का हुआ 1 लीटर दूध। तो इंडिया में जैसे हम लोग 3-4 पैकेट ले लेते थे जाके, तो काफ़ी मुश्किल है ख़रीदना, काफ़ी महंगा है। जैसे ये 2 लीटर का डब्बा है तो 10 लाई का, मैंने 200 रुपये का 2 लीटर। यहाँ पे जैसे इंडिया में हम लोग अंडे ख़रीदते हैं, तो यहाँ पे एक अंडा जो है 18 रुपये का एक अंडा। तो एक अंडा तो कोई नहीं ख़रीदता, तो जनरली लोग जो है क्रेट ख़रीदते हैं अंडे का, जिसमें 30 अंडे होते हैं और ये 16 लाई का बैठेगा। जैसे दही, इंडिया में हम दही ख़रीदते हैं, यहाँ पे जो है दही के डब्बे आते हैं, तो 80 रुपये का डब्बा मिलेगा 1 किलो। तो हर कंपनी के ऊपर है, तो प्राइस का भी फ़र्क रहेगा। वैसे 80 रुपये का 1 किलो। मिर्ची जो है काफ़ी महंगी, 8 दही कहते हैं मिर्ची को, तो 7 लई की 1 किलो। प्याज जो है यहाँ पे प्याज सस्ता है, 20 रुपये का 1 किलो। गाजर जो है यहाँ पे समझो 40 रुपये का 1 किलो। आलू जो है यहाँ पे 2 तरह के आते हैं, एक लाल रंग के जो कि 40 रुपये किलो है, एक जो नॉर्मल है वो भी 30 रुपये के किलो। टमाटर भी 2 तरह के आते हैं, एक छोटे टमाटर जो कि काफ़ी महंगे 200 रुपये किलो है, बड़े जो टमाटर हैं ये बैठेगा तुम्हारा 70 रुपये किलो। जैसे इंडिया में हम लोग हर मंदिर पे नारियल फोड़ते थे, यहाँ पे नारियल फोड़ने का भी काफ़ी पैसा लग जाता है, 60 रुपये का एक नारियल है। नींबू जो है 60 रुपये किलो। जो इन लोग के जो केक वगैरह मिलते हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं, 15 रुपये का एक केक आता जो कि क्रिसमस में लोग बनाते हैं स्पेशल। यहाँ पे 2 तरह की ब्रेड मिलती हैं, एक जो कि ये लोग लोकल बनाते हैं फ्रेश, लेकिन ब्रेड वैसे काफ़ी महंगी होती हैं, वही 40-50 रुपये की एक ब्रेड मिलेगी। यहाँ पे भी जैसे नॉर्मल जो कंपनी वाले 80 रुपये की, जैसे हम लोग सैंडविच के लिए बन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी जो है 80 रुपये के 6 बन मिलेंगे। तो ये वाली जो है ये 80 रुपये की ब्रेड है, और जो छोटी वाली है ये 50 रुपये की। ये सब आइसक्रीम्स हैं, तो आइसक्रीम भी यहाँ समझो 20 रुपये से शुरू होती है। जैसे हम लोग स्कूल के टाइम ख़रीदा करते थे सस्ती, तो उतनी सस्ती नहीं मिलती है। जैसे ये वाली जो है जिसमें चॉकलेट चिप्स दिख रहे हैं, ये वाली जो है ये 180 रुपये की एक है। तो अगर इंडियन रुपीज से हम लोग कंपेयर करेंगे हमेशा, तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे। जो आइसक्रीम के जो डब्बे हैं ये 400 रुपये के एक है। जैसे हम लोग इंडिया में चीज़ स्लाइसेस वगैरह लेते हैं, तो वो भी काफ़ी महंगा है चीज़। तो एक छोटा सा चीज़ जैसे, तो ये 200 रुपये का एक चीज़ का रोल है,
और भी महंगे महंगे हैं। तो जनरली हम लोग स्टूडेंट टाइम में क्या करते थे, फ्रोजन पिज्ज़ा वगैरह ख़रीद लेते थे, तो माइक्रोवेव में गर्म कर सकते क्योंकि यहाँ अपार्टमेंट्स में माइक्रोवेव हमें मिलता है। भुट्टा यहाँ पे फ्रोजन हमें मिलेगा 80 रुपये का भुट्टा, इसमें दो भुट्टे होते हैं। जैसे भिंडी हम लोग को मिलती थी यहाँ पे, उसको बामे कहते हैं, और तो भी काफ़ी महंगा है, 200 रुपये का एक पैकेट मिलेगा, एक पैकेट में आधा किलो। जनरली फ्रेश तो बहुत मुश्किल मिलते हैं, तो फ्रोज़न ही हम लोग को लेना पड़ता है। बैंगन जो है वो भी 160 रुपये का है। बैंगन का भरता जैसे इसमें बना हुआ है, लेकिन स्पाइसेस नहीं है, तो आपको खुद ही इस पर तड़का लगाना होगा। 200 रुपये का वो भी पैकेट है। कटी हुई गोभी का भी पैकेट मिलता है, तो कोनो पीटा जो है वो गोभी को कहेंगे अलग। तो ये जो पैकेट है ये लगभग बैठेगा 80 रुपये का। बीन्स वगैरह के भी पैकेट आते हैं इसमें, तो भी सब जनरली सब ऐसे शुरू होते हैं, 100 रुपये के पैकेट मिलेंगे। कंपनी कंपनी का फ़र्क है, तो इसीलिए प्राइसेस में भी डिफरेंस है। जैसे हम लोग वहाँ मटर के पैकेट खरीदते थे, तो यहाँ पे भी वही मिलेगा, वही 90-100 रुपये से ये भी शुरू होता है, आधा किलो का पैकेट। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। प्लीज कंटिन्यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोज। एंड वी वर हंग्री सो वी परचेज दिस, सो मोस्टली इट हैज चीज, स्वीट चीज, सो इट्स विदाउट सॉल्ट एंड इट वॉज नॉट सो एक्सपेंसिव, लाइक इट्स 40 lei, लाइक 3 lei. And if you convert to Indian rupees, like 50 rupees. And it's really good. So see you next time. Bye.